ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। आलिया बानी किसके सक्सेस की सीढ़ी, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा फिल्म के गानों ने, क्या आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी बनेगी RRR के लिए फायदेमंद? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। RRR एक ऐसी फिल्म जिसने लंबे समय से अपना दबदबा जनता के दिलो दिमाग पर बनाया हुआ है, और हो भी क्यों ना, आखिर फिल्म भी तो SS राजामौली की है, और ऊपर से फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी जबरदस्त है जिसमें जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन भी शामिल है। ऐसे में जब से आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में जनता ने उनकी एक्टिंग देखी है, तब से हर कोई उनका फैन बन गया है, और सिर्फ हिंदी सिनेमा की ऑडियंस ही नहीं बल्कि हर भाषा की ऑडियंस हर स्टेट में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे। अब इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद आलिया की आने वाली फिल्म RRR को देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट में एक अलग ही चाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फिल्म के बाद आलिया की हर फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस बेताब है। आप इसे भरोसा कह सकते हैं कि अपनी हर एक फिल्म में खुद को प्रूव करने वाली आलिया जिस फिल्म का हिस्सा होती है, जनता उनकी एक्टिंग से प्रभावित जरूर होती है, जिससे आने वाली फिल्म को फायदा होता है। ऐसे में राजामौली की फिल्म RRR की सक्सेस का एक बड़ा कारण आलिया जरूर साबित होंगी। वहीं जब से जनता इस फिल्म का इंतजार कर रही थी कि आखिर फिल्म कब देखने को मिलेगी, ऐसे में फिल्म आप भी सभी को 25 मार्च 2022 को थिएटर में देखने को मिलने वाली है। लेकिन आपकी खुशी को दुगना करने के लिए बता दूं कि फिल्म का एक गाना नाटू नाटू जो हर किसी ने सुना होगा, तो लास्ट ईयर नवंबर 10 को रिलीज हुआ था, और जब इस गाने ने बना लिया है एक अनोखा रिकॉर्ड। दरअसल फिल्म के गाने ने यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज हासिल कर लिया है, जिसकी जानकारी खुद जूनियर NTR ने ट्विटर पर सबके साथ शेयर किया। वैसे तो फिल्म के और भी गानों ने धमाल मचा रखा है, जिसमें टाइटल सॉन्ग शामिल है जिसे लिखा है KShivadatta ने, और इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने के विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं, जो ऑडियंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखते हैं फिल्म जब आती है तो कितना बवाल मचाएगी, और आपको जाते जाते बता दें कि फिल्म रिलीजिंग के 60 दिन बाद नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिलेगी। बात की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर तेज है कि जल्द ही न्यूज़ ऑफिशियली सामने आएगी। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप बस जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर।